इन दोनों ग्रामीण इलाकों में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। एक तरफ जहां बीते किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी है, वहीं अब हाथियों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। शाम ढलते ही हाथी किसानों के खेत में आधमकते हैं और उनकी मेहनत को अपने कदमों से रौंद देते हैं, जिसके चलते कालाडूंगी के मनकंठपुर गाँव के किसानों ने वन विभाग शीत के रास्ते रात्रि गश्त और सक्रिय रहने और मुआवजे की मांग की। वहीं ग्राम प्रधान मनकंठपुर ने पूरे मामले में वन विभाग से सहयोग की अपील की है। काला डूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। ये मनकंठपुर गांव जंगलों से सटा हुआ है। आए दिन यहां पर हाथी, नीलगाय, सुअर, चीतल कई सब जानवर आए दिन यहां पर नुकसान करते हैं और विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि एक बार आई आप लोग उसको दिखाएं, हम एक बार आपका मुआवजा जो है एक बार का देंगे। लेकिन मुआवजा तो जो भी है वो समय समय मूल्यांकन देखा कि कितना नुकसान हो रहा है और अंत में इसका मूल्यांकन देख के उसको उचित मुआवजा दें। हाथी के द्वारा नुकसान के बारे में तो ये कहेंगे कि जितना हाथी ने दुखी कर दिया उतना इसमें किसी चीज़ ने दुखी नहीं कर रखा है। दूसरा, आप फसल में आकर के देख ही रहे हैं, आपने प्रत्यक्ष देख लिया है यहाँ पर। और दूसरा, जो मुआवजे की आकलन की बात करेंगे, मुआवजे के आकलन का तो यह है कि अगर एक बार हाथी खेत में आ जाता है तो ये कहते हैं कि फाइल लगाओ, 24 घंटे के अंदर में मुआवजे का आकलन होगा। क्या उसके बाद जो दोबारा हाथी खेत में आएगा क्या उसका आकलन कब होगा या उसका लगेगा ही नहीं, कहते हैं। हाथियों द्वारा और जंगली जानवरों द्वारा आए दिन काश्तकार का बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे हर कोई काश्तकार परेशान है। विभाग द्वारा इसके लिए कोई रात्रि में गश्त या इस चीज़ की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे काश्तकार बिल्कुल काश्तकारी छोड़ने को मजबूर है।